हमने तो अयोध्या में मंदिर बनाया, हमने मथुरा में मंदिर बनाया, काशी में मंदिर बनाया, हम मथुरा में भी बनाएंगे। जिसको वोट देना नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे पास आ रहा है, नेताओं की भाषा कड़वी होती जा रही है। मतदाताओं को रिझाने के लिए खूब हिंदू मुस्लिम हो रहा है। इसी क्रम में बीजेपी के एक सांसद ने भी विवादित बयान दिया है। पहले सुनवाते हैं आपको बीजेपी सांसद का वो बयान। भारतीय जनता पार्टी ने तो गरीबों को यदि मकान दिए हैं तो कभी किसी गरीब से उसकी जाति नहीं पूछी तुम किस जात के हो। भारतीय जनता पार्टी ने यदि मकान दिए हैं तो यह नहीं पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यदि शौचालय बनाए हैं तो किसी की जाति नहीं पूछी, किसी का धर्म नहीं पूछा। तो उसके बावजूद भी यदि संख्या में के आधार के ऊपर यदि हम बात करें, यदि 100 मकान बने होंगे तो 100 मकान में कम से कम 30 मकान मुसलमानों के भी बने होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वोट नहीं मिलेगा। तो आखिर क्या कारण है वोट नहीं मिलेगा? तो कारण सिर्फ एक है, वोट इसलिए नहीं मिलेगा कि आप लोगों ने धारा 370 को समाप्त कर दिया, आप लोगों ने भगवान राम के मंदिर को बना दिया, आप लोगों ने जिस प्रकार से आपने काशी में इतना भव्य काशी धाम मंदिर को बना दिया, यही कारण है आपको वोट नहीं मिलेगा। तो हमने कहा कि हमने तो अयोध्या में मंदिर बनाया, हमने मथुरा में मंदिर बनाया, काशी में मंदिर बनाया, हम मथुरा में भी बनाएंगे। जिसको वोट देना जिंदाबाद का नारा बोलते हैं, जिनकी मानसिकता भारत के विपरीत है, जो निश्चित रूप से जो भारत में सरिया के शासन का जो सपना देख रहे हैं, ऐसे किसी का भी वोट भारतीय जनता पार्टी को ना चाहिए। ये बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक हैं, जो कन्नौज में एक सभा को संबोधित करते हुए मुस्लिम समुदाय को लेकर कई दावे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण जैसे कामों की वजह से मुसलमानों का वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा। बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में सियासी तापमान हर दिन बढ़ता जा रहा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले न हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दल प्रचार में जुट गए हैं। बीजेपी जहां दोबारा से सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटी है, तो वहीं अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा भी सत्ता में लौटने का सपना देख रही है। कांग्रेस, बसपा समेत अन्य दल भी अपनी जमीन को मजबूत करने में जुटे हैं। हालांकि यूपी में इस बार सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।